हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज के सेशन में हैं। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। सभी चैप्टर वाइज मैंने थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड 79 ऐसी वीडियोज इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कराया गया है बीपीएससी टीआई 2 में, उसको जरूर देखिए। एंड दोस्तों 2024 का जो ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए 85वां प्रैक्टिस सेट है। एंड दोस्तों जैसे कि बीपीएससी टीआई 3 का जो एग्जाम है वह 27 से 30 जून को कहा गया था, बट जुलाई के हर सप्ताह के बाद होगा एंड तैयारी 4 भी होगा, बट आप डिले हो रहा है, बट आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, एकाएक एग्जाम होगा तो आप वही जीतेगा जो डेली बेसिस पे अपना प्रैक्टिस बनाया हुआ है। एंड एमपी का मुख्य परीक्षा अगस्त में होगा ही, एंड जो आपका यूपी में भी अब चांसेज हैं जल्द से जल्द वैकेंसीज भी नया आने की और जो अधूरी है उसको पूरा कराने की, तो आप डेली बेसिस से बस लगे रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ? तो सर दुर्गाबाजी टाटा के प्रयास से 1927 में किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है? दोस्तों उद्घाटन की घोषणा कौन करता है? मेजबान देश का अध्यक्ष या राष्ट्रपति करता है, और समापन की घोषणा कौन करता है? आईओसी का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ आईओसी करता है। यहाँ दोनों ऑप्शन, प्रेसिडेंट मतलब भी अध्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ चेयरमैन ज़्यादा उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है, निम्न में किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? तो बहुत सारे देश अपना दावा करते हैं, उसमें से किसी देश के एक शहर को दिया जाता है। जैसे कि 2020 का जो ओलंपिक है टोक्यो जापान में हुआ, तो टोक्यो में हुआ एक शहर में, किसी एक शहर को यानी नगर को दिया जाता है। नेक्स्ट है, दिवसों की दृष्टि से कौन सा ओलंपिक सर्वाधिक लंबा था? जैसे कि 16 दिन का होता है ओलंपिक, लेकिन सर्वाधिक लंबा ओलंपिक कौन सा था, सर्वाधिक लंबे दिन का? तो आपका था वो 1908 लंदन ओलंपिक, ये 187 दिन 6 महीने 4 दिन तक चला था। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में निम्न में कौन से इवेंट्स पेंटाथलॉन में शामिल थे? दोस्तों ये कंबाइंड इवेंट के अंतर्गत डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन एंड ट्रायथलॉन आता है। कंबाइंड इवेंट के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप एथलेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिक के साथ देखिए। तो प्राचीन पेंटाथलॉन में कौन कौन से इवेंट शामिल थे? प्राचीन पेंटाथलॉन में दौड़ शामिल था, लंबी क्यू, चक्का फेंक, कुश्ती और भाला फेंक शामिल था, बट मॉडर्न पेंटाथलॉन में, आधुनिक पेंटाथलॉन में 5 इवेंट है, तलवारबाजी यानी फेंसिंग, तैराकी फ्री स्टाइल, घोड़ा हॉर्स जंपिंग, निशानेबाजी एंड क्रॉस कंट्री। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में आधुनिक पेंटाथलॉन का सुझाव किसने दिया? दोस्तों ओलंपिक खेलों में आधुनिक पेंटाथलॉन का सुझाव दिया बैरन पियर डी कुबर्टिन, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों के प्रतिपादक कुबर्टिन किस देश के थे? दोस्तों तो ये फ्रांस के थे। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय कप्तान ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़ा? तो आप सबको पता है दोस्तों 1928 हॉलैंड ओलंपिक में भारत ने हॉकी में सबसे पहले भाग लिया था, और आधिकारिक तौर पर भारत ने ओलंपिक में भी भाग लिया था, तो उसमें जयपाल सिंह जो है प्रथम ऐसे हॉकी के कप्तान थे जो ओलंपिक के विजय स्तंभ पर चढ़े थे, तो उनका नाम है जयपाल सिंह, और भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन चक्र के साथ फेफड़ों से बाहर व अंदर जाती है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि हम सामान्य प्रकार का श्वसन ले रहे हैं, फेफड़े से वायु बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। एंड एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एयर, पूरक वायु जिसे कहते हैं, यानी सामान्य श्वास के बाद यदि वायु बहुत जोर से श्वास लेकर फेफड़ों में भरा जाए तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एयर कहते हैं, जिसे 3000 ml के करीब होता है, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम 500 ml के। एंड एक होता है सप्लीमेंट्री एयर, परिशिष्ट वायु, यानी गहरे श्वास द्वारा वायु को बाहर निकालना, यानी गहरे श्वास द्वारा अंदर लेना कॉम्प्लीमेंट्री एयर और गहरे श्वास द्वारा बाहर निकालना सप्लीमेंट्री एयर। और वाटल कैपेसिटी क्या से कहते हैं? वाटल कैपेसिटी उसे कहते हैं कि जो पूरे जोर से सांस को अंदर लेना और पूरे जोर से बाहर निकालना, यानी अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है, यानी कि ये फेफड़े की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन करके पूरे बल के साथ हवा वायु श्वसन यानी एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकाली जाती है, उसकी मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, जिसके अंतर्गत टाइडल वॉल्यूम, कॉम्प्लीमेंट्री एयर, सप्लीमेंट्री एयर आ जाता है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद जो वायु कुछ हमारे फेफड़ों में बची रह जाती है उसको कहा जाता है रेसिड्यूल एयर, यानी अवशिष्ट वायु। वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml, कॉम्प्लीमेंट्री एयर 300 ml, 3000 ml एंड सप्लीमेंट्री एयर 1100 ml, कुल मिलाकर के 4600 ml आपका होता है वाटल कैपेसिटी। एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी, जब उसमें रेसिड्यूल एयर को भी जोड़ देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाता है। तो वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र है वाटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूल वैल्यू। तो वाटल कैपेसिटी कितना हुआ? 4600 ml, रेसिड्यूल एयर जो है वो 1200 ml हो जाएगा, दोनों मिलाकर के आपका हो जाएगा 5800 ml, यानी कि 5.80 L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में हृदय का मिनट आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जो सामान्य कंडीशन में 72 बार हमारा हृदय पंप करता है, धड़कता है, एंड जब हम कोई एक्टिविटी या एक्सरसाइज या भारी क्रिया करते हैं तो उस समय 180 प्रति मिनट हो जाता है, बट जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उस कंडीशन में 40 से 50 पर मिनट हो जाता है, यानी कि जो मिनट आयतन होता है वो घटता है प्रशिक्षित खिलाड़ी में। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे निर्मित होता है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है 3 प्रकार का होता है, CNS, PNS, ANS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारा ब्रेन और मेरुदंड यानी स्पाइनल कार्ड होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। दूसरा होता है PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत 43 जोड़े नाड़ियाँ आती हैं, जिसमें से 12 जोड़े नाड़ियाँ दिमाग के कार्निथल नाड़ी से निकलती हैं और 31 जोड़े नाड़ियाँ स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नाड़ी निकलती हैं। तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ऑटोमेटिक होता है, इससे हमारी इच्छाओं पर कोई निर्भर नहीं करता, जैसे कि हमारे आंतरिक सभी आंतरिक अंगों जैसे कि अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, अमाशय, यकृत, लीवर और इंटेस्टाइन आदि और रक्तवाहिनियों की तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। 2 प्रकार का होता है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपका सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक यानी अनुकंपी और परानुकंपी नर्वस सिस्टम, 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है। दोस्तों, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो हमारे वाह पर्यावरणीय परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, जैसे कि जो हमारी सेंसरी ऑर्गन होती है, ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, जो संदेश होती हैं उसको हमारे ब्रेन तक ले जाती हैं और ब्रेन से पुनः हमारा मोटर नर्व जो है हमारे पेशियों तक लाता है, अंगों तक, जिससे हमारा क्रिया होता है। तो यह वाह्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम,
जो है वो किसको नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये जो है हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करता, ये ऑटोमेटिक होता है, ये आंतरिक पर्यावरणीय परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, जैसे कि हमारा छोटी याद, बड़ी याद, पैंक्रियाज एंड स्टोमच एंड लीवर, रक्तवाहिनियाँ, इन सभी को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है और यह मस्तिष्क के आदेशों पर निर्भर नहीं करता। ये दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जो हमारे आपातकाल की स्थिति में क्रोध आने पर या एकाएक खतरा पड़ने पर कार्य करता है, आ जाए कि पैरासिंपैथेटिक जो होता है परानुकंपी, वो प्रेम, खुशी, हर्ष के समय एक्टिव होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अच्छे तंतु यानी एक्सान की भूमिका आवेगों को ले जाना होता है। आवेग यानी जो संदेश होते हैं, एक्सान किस तरफ ले जाता है? तो जो न्यूरॉन जो है, तंत्रिका कोशिका जो है दोस्तों, वह तंत्रिका ऊतक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो न्यूरॉन जो है कि तीन भाग होते हैं, एक सेल बॉडी होता है, एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन। सेल बॉडी, जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि ये आपका जैसे सेल बॉडी हो गया, ये आपका डेंड्रॉन हो गया, ठीक है ये डेंड्रॉन हो गया, और यहाँ से आपका निकलता है एक्सॉन, पूंछ की तरह कई भागों में इधर बढ़ जाता है, दूसरे न्यूरॉन की तरफ ले जाता है। तो जो डेंड्रॉन होता है वो आवेगों को, संदेश को प्राप्त करता होता है, प्राप्त करके किधर ले जाता है? सेल बॉडी की ओर, ठीक है। एंड फिर एक्सॉन क्या करता है? न्यूरॉन से दूर ले जाता है, ठीक है। अब ये संदेश को एक्सॉन जो है दूसरे न्यूरॉन की ओर ले जाएगा, या ब्रेन की ओर, या हमारे कार्यकारी अंगों की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो डेंड्रॉन होता है वो सूचना को, इम्पल्स को, आवेगों को प्राप्त करता होता है, प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर ले जाता है, और जो एक्सॉन होता है वो न्यूरॉन से दूर दूसरे न्यूरॉन की तरफ या हमारे अंगों की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका से दूर, ठीक है, तंत्रिका से दूर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंड्राइट्स की भूमिका है कि अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से आवेगों को संचित करना और उन्हें ले जाना होता है। जस्ट बताया कि जो प्राप्तकर्ता होता है वो होता है डेंड्राइट, और प्रेषक करता भेजने वाला कौन होता है? एक्सॉन। तो यह प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नर्व सेल की ओर, सेल बॉडी की ओर, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है, किडनी के ऊपर स्थित कौन सी ग्लैंड यानी ग्रंथि होती है? तो आप सबको पता है एड्रेनल ग्लैंड होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन श्लेष्मक संधि यानी साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है? साइनोवियल ज्वाइंट यानी चल संधि की बात कर रहा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कोर संधि यानी हिंज ज्वाइंट जो है साइनोवियल ज्वाइंट है चल संधि के अंतर्गत, धुराग्र संधि, पीवर ज्वाइंट जो गर्दन में होता है ये भी आपका चल संधि के अंतर्गत आएगा, एंड सैडल ज्वाइंट जो है जो एक हड्डी दूसरे हड्डी पर फिसलता है जैसे कार्पस और टार्सस ज्वाइंट, ये भी चल संधि यानी साइनोवियल ज्वाइंट के अंतर्गत आएगा, जबकि तंतुमय संधि यानी फाइबर्स ज्वाइंट अचल संधि के अंतर्गत आता है, इसलिए यह नहीं है। जैसे कि ज्वाइंट तीन प्रकार के होते हैं, अचल, अधचल और चल संधि। अचल संधि को हम फ्लेक्स ज्वाइंट, फाइबर्स ज्वाइंट, सिंडमोस, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट आदि नामों से जानते हैं, जिसमें खोपड़ी का जोड़, दांतों का जोड़ आदि आता है। एंड अधचल संधि में को स्ट्रिक्टली मूवेबल ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट आदि नामों से जाना जाता है, और जिसमें हमारा अधचल संधि के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी का जोड़ यानी इंटरवर्टिबल ज्वाइंट आता है, एंड हमारी जो पसलियाँ होती हैं सिंक्रोडोसिस आता है, और चल संधि को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायथ्रोसिस ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको पता ही है जैसे कि सैडल ज्वाइंट, कार्पस टार्सस हड्डी, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारा शोल्डर एंड हिप, एंड हिंज संधि जो एक तल में गति करता है जैसे नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, कार्टिलेज ज्वाइंट दो तल में गति करता है जैसे हमारे कलाई का जोड़ यानी कि रिस्ट,
पिवट ज्वाइंट जो है रोटेशन मूवमेंट करता है, इसमें हमारा सिर की गति, गर्दन का ज्वाइंट एंड रेडियस अनला ज्वाइंट आ जाएगा। सरल ज्वाइंट जो होता है वो परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि होती है जो किसी भी दिशा व तल में गति होती है, जैसे हमारा ट्रेपेजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल अस्थि की संधि जो अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संधि की संरचना सिर्फ एक दिशा में झुकाव का अवसर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो एक ही तल में गति होता है तो उसे हम कौन सा संधि कहेंगे दोस्तों? तो उसे हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं, जो एक ही तल में गति होता है। जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है उस तरह हिंज ज्वाइंट में भी एक तरफ गति होती है, एक अक्ष में गति होती है। तो इसमें आपका आता है नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंज ज्वाइंट, इसे कोर संधि भी कहते हैं एंड कब्जा जोड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है, शोल्डर ज्वाइंट किसका प्रारूप है? तो दोस्तों शोल्डर ज्वाइंट को बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट या कंदुखलिका संधि कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार की गतियां संभव होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नी ज्वाइंट यानी जानु संधि उदाहरण है। तो अभी जस्ट मैं बताई हूँ नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, ये सभी हिंज ज्वाइंट यानी कोर संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिप ज्वाइंट यानी नितंब संधि, जस्ट अभी बताई हूँ जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट दोनों कंदुखलिका या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, उंगलियों का यानी फ्लेंजियस की जो संधि होती है, जो कौन सी संधि कराती है, वो जस्ट मैं बताई हूँ कि नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, ये सभी कोर संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों, जमीन पर सीधी खड़ी कल्पित रेखा इमेजरी लाइन क्या कहलाती है? तो सीधी खड़ी कल्पित रेखा को हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक संचलन ऑपरेशन में होता है। दोस्तों प्रत्येक संचलन में एक एक्सिस और एक प्लेन होता है, ठीक है, वन एक्सिस एंड वन प्लेन होता है, दोनों तीन तीन होते हैं जैसा कि मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है, सीखने का कौन सा नियम बतलाता है कि बौधा फ्रिक्वेंसी जाने वाली बातें सबसे अधिक याद रखती हैं? यहाँ पे कहने का मतलब है जिसको आप बार बार करते हैं वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, जिसका उपयोग करना बंद कर देते हैं उसका वो धीरे धीरे भूलने लगता है, यानी उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, यानी अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग का नियम कहते हैं। यहाँ पे अभ्यास का नियम थार्नडाइक के ने सीखने के मुख्य तीन नियम दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, प्रथम होने की स्थिति मजबूत प्रायः अनुप्रयोगी असर छोड़ती है। प्रथम होने की स्थिति मजबूत प्रायः अनुप्रयोगी असर छोड़ती है, यह है तो दोस्तों यह एक प्रमुखता का नियम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, बिल्कुल हाल में सीखे गए कार्य सबसे अधिक किए जाते हैं, यह उक्ति किसे सूचित करता है? तो दोस्तों यह एक तुरंत अभी जस्ट सीखे गए कार्य सबसे अधिक किए जाते हैं, वो एक तीव्रता का नियम के अंतर्गत आ जाएगा, प्रभाव का, सॉरी दोस्तों प्रभाव के नियम के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि वो तुरंत सीखे गए कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर है इसलिए वो सबसे अधिक किए जाते हैं, ये आपका प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सीखने का निम्न स्तर क्या है? तो निम्न स्तर मतलब ऐसे करके ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर हम उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर एप्लीकेशन होगा यानी उसको प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद कोरिलेशन निकालेंगे। तो सबसे निम्न स्तर पर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है, संवेगात्मक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी चिंता उदासी जैसे निर्मित व्यक्तित्व के
किस आयाम यानी डायमेंशन के लक्षण हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका मध्यवर्ती यानी मिडिल क्लास के लक्षण हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन रुचि अनुकूल व्यक्तित्व का सहज गुण नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि सहज गुण इंसान में होता है काइंडनेस, विश्वास, सील, बट जटिलता नहीं होता, कॉम्प्लेक्सिटी ये आपका सहज गुण नहीं है। नेक्स्ट है, फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइकोएनालिटिक थ्योरी में जन्मजात जैविक मूल प्रवृत्तियां और प्रेरणाएं किसका संकेत करती हैं। तो इनके अनुसार ये सभी संकेत करती हैं इद यानी कि काम तत्व का। नेक्स्ट है, सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत री पार्टिसिपेशन थ्योरी किसने दिया है। तो वो दिए हैं पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, समाजीकरण यानी सोशियोलॉजिशन मानव शिशु कैसा व्यवहार करता है। तो दोस्तों जैसे देखता है अन्य लोगों को वैसा ही शिशु व्यवहार करता है, समाज की प्रत्याशा अनुसार व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है। दोस्तों तो वो अंतःक्रिया करता है, लोगों से देख करके सीखता है, यानी कि अंतःक्रियात्मक यानी इंटरेक्टिव क्रिया है जो समाजीकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है। दोस्तों तो समाजीकरण के द्वारा, सोशियोलॉजिशन के द्वारा। नेक्स्ट है, टॉप डाउन लॉजिक किस प्रकार के रीजनिंग को कहा जाता है। दोस्तों टॉप शीर्ष से नीचे की ओर, यह जो है आता है निगमनात्मक प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है, डिफेक्टिव रीजनिंग, जबकि डाउन से टॉप होगा आगमनात्मक और टॉप से डाउन आपका निगमनात्मक होगा। नेक्स्ट है, सामान्य से विशेष तर्क की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो सामान्य से विशेष तर्क की जो प्रक्रिया होती है वो निगमन में होता है और आगमन में जो है विशेष से सामान्य की तर्क की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तर्क यानी लॉजिक करने की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो लॉजिक करने की प्रक्रिया जो है आगमन और निगमन दोनों है, बस अंतर इतना है कि सामान्य से विशेष निगमन होता है, विशेष से सामान्य आगमन होता है। यहाँ पे दोनों आपका राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, तर्क द्वारा निम्न में से किसकी जांच की जाती है। तो हम तर्क के द्वारा किसकी जांच करते हैं, हम किसी कॉन्सेप्ट की परिकल्पना की जांच करते हैं। नेक्स्ट है, तर्क की क्रिया में अंतिम सोपान निम्न में से कौन सा होता है। तो दोस्तों सब कुछ करने के बाद अंत में हम उसका मूल्यांकन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, उसके आधार पर हम जानते हैं कि हाँ यहाँ पे कितना प्रगति हुआ, क्या क्या कमियाँ रही और क्या सुधार करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, राउंड रॉबिन की डबल लीग पद्धति में कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो सिंगल लीग और डबल लीग दो प्रकार का होता है। सिंगल लीग में ज्ञात करने का सूत्र होता है एन एन माइनस वन अपॉन टू, बट डबल लीग में ज्ञात करने का सूत्र होता है एन एन माइनस वन। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होने पर उन्हें विभिन्न ग्रुपों में किस पद्धति में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों वो बांटा जाता है आपका संयुक्त प्रतियोगिता यानी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पद्धति संयुक्त प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रकार नहीं है। संयुक्त प्रतियोगिता यानी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत चार प्रकार की आती है, नाक कम नाक, नाक कम लीक, लीक कम लीक, लीक कम नॉकआउट। तो यहाँ पे या कॉब वेब टाइप नहीं है, ये चैलेंज टूर्नामेंट प्रकार का है और सभी आपका संयुक्त प्रतियोगिता यानी कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है,
पिरामिड टाइप, किंग टाइप, काबेब टाइप प्रतियोगिता किस पद्धति का प्रकार है? तो ये सभी जो है चुनौती प्रतियोगिता यानी चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार हैं। चैलेंज टूर्नामेंट जो है वह दो प्रकार का होता है, लैडर टाइप यानी कि सीढ़ी प्रकार का, एंड पिरामिड टाइप। और पिरामिड टाइप भी दो प्रकार का होता है, किंग्स टूर्नामेंट एंड कॉबवेब टूर्नामेंट, जिसे स्पाइरल वेब विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है आदर्श धावन पथ, स्टैंडर्ड ट्रैक माना जाता है। अब सबको पता है स्टैंडर्ड ट्रैक जो है वह 400 मीटर को माना जाता है। नेक्स्ट है आदर्श धावन पथ में जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो स्ट्रेट लाइन की लंबाई जो है वह लगभग 84.39 मीटर होती है। दोस्तों इसको वर्तमान में देखना पड़ेगा कितना है, बट हम लोगों ने पढ़ा था कि 80 आपका रखा गया था, 80 स्ट्रेट लाइन एंड 80 मीटर एंड सीधी रेखा जो होती है वो 75 मीटर रखा गया था। तो यहाँ पे 84.39 ऑथेंटिक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से एक नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक परीक्षा का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण जो है वह नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक परीक्षण है, उसके अलावा सब वर्बल यानी कि शाब्दिक है, जैसे कि रेनवी, प्रोग्रेसिव, मेट्रिसेज, आर्मी अल्फा परीक्षण, बीनी साइमन परीक्षण। नेक्स्ट दोस्तों यदि एक 10 वर्ष का बालक 7 वर्ष के बालक के सभी परीक्षणों को करने में समर्थ है तब उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है एम ए बटा सी ए गुणे 100। एम ए कितना है? मेंटल एज। तो मेंटल एज दोस्तों है, मेंटल एज है यानी 10 वर्ष का बालक है और 7 वर्ष के कार्य को कर लेता है, तो मेंटल एज आपका हो जाएगा 7। और क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु कितना है? 10 गुणे 100। यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए और यहाँ पे 10 से 70 यानी कि 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बुद्धि लब्धि होगा? 70। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा देश अंग्रेजों के अधीन लगभग कितने वर्षों तक रहा था? कम से कम 400 वर्षों तक गुलाम रहा था दोस्तों, यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया, यहाँ पे भारत 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और आज़ाद 1947 में 15 अगस्त को हुआ था। दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, हम सब मिलकर उसके सही आंसर को ढूंढेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।